सब्सक्राइब करें हिंदी एजु सपोर्ट चैनल को और इसके सामने दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा हिंदी एजु सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे चैनल्स कमेंट्स के माध्यम से कई सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं सर की यूनिवर्सिटी और बोर्ड्स के एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स हमें दे देना चाहिए। इसके लिए जल्द से जल्द वीडियो आप अपलोड किया कीजिए, तो उसके अनुसार हम आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाले हैं जिसके बारे में कई छात्रों ने हमसे कमेंट्स किया हुआ है। RTMNU यानी कि राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज के एग्जामिनेशंस अपडेट्स के बारे में। हम किसी के बयान को यहाँ पे अपलोड नहीं करने वाले हैं और ना ही किसी ने यह कहा और ना ही फलाना ने यह कहा वो कहा, ऐसा किसी भी प्रकार का फालतू कोई बयान यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। ऑफिशियल अपडेट वही इम्पोर्टेंट है, आपको किसी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको एकमात्र ध्यान देना है ऑफिशियल अनाउंसमेंट की तरफ। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी RTMNU यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन अपडेट 2024 समर के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट आ चुका है, यहाँ पर गाइडलाइंस आ चुकी है समर 2020 एग्जामिनेशंस के। चलिए यह सेकंड नोटिफिकेशंस है, यहाँ पे एक सर्कुलर इसके आगे भी यहाँ पर अपलोड किया गया है। अगर इसे रिफ्रेश किया गया तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सर्कुलर रिगार्डिंग पोस्टपोन ऑफ RTMNU समर 2020 एग्जामिनेशन ड्यू टू COVID-19। अब यहाँ पर क्या ऑफिशियल है तो हम आपको वह बता देते हैं कि सभी जितने भी प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जामिनेशंस है जो कि 15 अप्रैल 2020 से 3 मई 2020 के बीच में कंडक्ट किए जाने वाले थे, वह सभी के सभी लेखी परीक्षा और प्रात्यक्षिक परीक्षा यानी कि थ्योरी एग्जामिनेशंस और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस को आगे धकेला गया है, आगे पोस्टपोन कर दिया गया है 4 मई 2020 के बाद 17 मई 2020 तक। यानी कि 17 मई 2020 तक लॉकडाउन होने के कारण सारी की सारी एग्जामिनेशंस वहां तक पोस्टपोन कर दी गई है। आप ऐसा कहेंगे तो कोई बुरा नहीं होगा, कैंसल्ड कर दी गई है। हाँ, इसे रिवाइज किया जाएगा तो वह 18 मई 2020 के बाद रिवाइज किया जाएगा, यानी कि रिवाइज टाइम टेबल डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे 18 मई 2020 के बाद जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश आएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फलाना ने यह कहा, ढिकाना ने वो कहा, ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा, डायरेक्टली ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा और वह नागपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया होगा, उसी से अनुसार आप अपडेट्स को प्राप्त करें और उसी के अनुसार आप कार्रवाई पर ध्यान दें। और हाँ, एक और बात, जरूरी बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि अपने इंटरनेट को शुरू रखें और साथ ही अपने मोबाइल नंबर को भी चालू रखें और अपने सारे जो भी टीचर्स हैं उनसे संपर्क बनाए रखें और घर पे ही रहें, कोरोना से बच के रहें। तो यह अपडेट फिलहाल राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी समर 2020 एग्जामिनेशन से रिलेटेड था। तो 17 मई 2020 तक सारे के सारे एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर दिया गया है और जो 18 मई 2020 के बाद होने वाली एग्जामिनेशंस थी उन्हें भी कुछ टाइम के लिए स्थगित कर दिया गया है। 18 मई 2020 के बाद जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश आएंगे, गाइडलाइंस आएंगी, उसके अनुसार टाइम टेबल रिलीज किया जाएगा और आपको बताया जाएगा। दोस्तों, आप आज आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आया होगा RTMNU एग्जामिनेशन समर 2020 के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।